सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका मुख्य खबरों की इस पेशकश में। किसी की मदद करने के लिए आपकी उम्र या आपका स्टेटस मायने नहीं रखता। मदद करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ दिल मायने रखता है। आज की कहानी चांदनी ग्रोवर की है, जो अपनी साफ नीयत से बेजुबान जानवरों की जुबान बन चुकी है। वो भोपाल की रहने वाली है। चांदनी के माता पिता बताते हैं कि इन्हें बचपन से ही जानवरों से बेहद लगाव रहा है, जिस कारण वो सिर्फ अपने पेट डॉग का ध्यान ही नहीं रखती, बल्कि सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे सभी जानवरों का ध्यान रखने की कोशिश करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं। चांदनी कहती हैं कि एक दिन उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा तेज रफ्तार की गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। इस घटना ने चांदनी के मन पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने डॉग के अलावा बाकी सारे बेसहारा जानवरों का भी ध्यान रखेंगी। चांदनी ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की। उनके माता पिता अपनी बेटी के इस नेक काम में हमेशा मदद करते हैं। एक दिन उनको पता चला कि भोपाल नगर निगम ने बेसहारा जानवरों के लिए 4 शेल्टर होम बनाने के प्रोजेक्ट तैयार किए थे, पर यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागज तक ही सीमित रहे। तब उन्होंने खुद से एक शेल्टर होम बनाने की जिम्मेदारी ली। इस काम में उनके माता पिता डॉक्टर अनिल शर्मा और दोस्तों ने मदद की, जहां से अब तक 28 जानवरों को गोद लिया जा चुका है और यह अभी 55 से भी ज्यादा जानवरों का घर है। वे कहती हैं कि अपनी स्वार्थ से हटकर हम सभी को इन बेजुबान जानवरों के लिए दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानी और किस्सों, साथ ही देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए सुनते रहिए मुख्य खबरें केवल खबरी ऐप पर। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।